गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड जय श्री राम, वेलकम टू द क्लास। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी स्टैटिक्स का ही पार्ट्स आता है जो कि आपके कहीं ना कहीं मैच करेगा जियो स्टैटिक्स से भी रिलेटेड, ठीक है। तो आज से जो है ये टॉपिक चलेगा, इसमें एक दो यूनिट और बनेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो तीन चीजें जो छोटी छोटी बेसिक चीजें डेफिनेशन मिलेगी वो आपको पता रहना चाहिए, जिसमें हम लोग इसमें पॉपुलेशन क्या होता है, इसमें वर्ड आता है पॉपुलेशन कि भाई पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। सैंपल वर्ड आएगा, इसमें सैंपल क्या होता है, ये छोटी छोटी की डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। सैंपल साइज क्या होते हैं, इसी के बाद ही आपको आगे सारी चीजें सब मिलेगा। और इसमें अगर हम देखें तो दो तीन टॉपिक्स इसमें आएंगे जो कि आप लोग के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा, जैसे एक है काई डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का टॉपिक्स रहेगा काई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन छोटी सी चीज की पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो देख लो कि पॉपुलेशन क्या होता है, इन पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। पॉपुलेशन का मतलब होता है कोई भी कलेक्शन है एक तरफ से, ठीक है, क्या एनी कलेक्शन और ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, लार्ज, ठीक है। एनी कलेक्शन यूजुअली लार्ज, इसको हम लार्ज के फॉर्म बोलते हैं। यूजुअली लार्ज रहता है कलेक्शन जो है वो क्या रहेंगे, लार्ज के फॉर्म, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्शन है, जैसे सेट होता है वैसे ये भी कलेक्शन है, किसका, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और वो ऑब्जेक्ट आपके कैसे होने चाहिए, लार्ज फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कोई भी कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, किसी भी चीज को कर रहे हो तो वो अगर कलेक्शन कैसे हैं, हाईली लार्ज के फॉर्म में है, तो उन कलेक्शन को ही हम लोग यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन भी बोलते हैं, या फिर सिंपली कभी कभी पॉपुलेशन ना बोल के यूनिवर्स भी बोलते हैं, एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में लिखे रहेगा इन द पॉपुलेशन, ऐसा लिखा रहेगा, तो वहां पर हम पॉपुलेशन मीनिंग क्या समझते हैं कि बहुत संख्या में कलेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब यदि अगर ये इनके सबसेट उठाएंगे, ठीक है, इन पॉपुलेशन के अगर हम क्या उठाएं, सबसेट उठाएं, ठीक है। सबसेट मतलब समझते हो ना क्या होता है, कोई सेट होता है उसे कम कम एलिमेंट उठाते चले जाओगे तो उसको हम सबसेट बोलते हैं, और उन सबसेट को ही हम यहां पर सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब सैंपल क्या है, सैंपल कुछ और नहीं क्या, सबसेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन is called
सैंपल। कहानी समझ में आई? सबसे पहले सैंपल जानो क्या होता है, उसके पहले पॉपुलेशन जानो। पॉपुलेशन कुछ और नहीं, सिर्फ कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, लेकिन कैसे, बहुत सारे मात्रा में, ठीक है। दो चार, जैसे अब तक हमने जो पढ़ा रैंडम वेरिएबल कैसे पढ़ रहे थे, डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल था, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल थे, तो वो जो रैंडम वेरिएबल है तो उन्हीं जैसे के कलेक्शन है ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वो लार्ज फॉर्म में हो, जैसे मैं एक से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करूँ, तो ऐसे अगर नंबर्स का कलेक्शन है तो ये भी क्या होगा अपने आप में, एक हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सैंपल क्या है, इन इसका सबसेट, इसके जितने सबसेट बनाते हैं, और वो सबसेट अगर फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब 10, 5, 20 इस टाइप के सबसेट होते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ये जो अगला है सैंपल साइज, इसका मतलब क्या है, सैंपल साइज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन कहां, सैंपल में। अगर सैंपल में हम उन ऑब्जेक्ट को काउंट करें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। तो सैंपल की साइज का मतलब क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, यही बताता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, थोड़ा सा याद रखोगे। तो यहाँ पर सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में, ये दिस इज अ रिलेशन, ठीक है। अब तक जो हमने जो भी पढ़ा, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, कौन कौन से, जो बाइनोमियल हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी चीजें। तो बाइनोमियल से नॉर्मल में जो रिलेशन होता है, तो इस तरह के यहाँ पर हम रिलेशन पढ़ते हैं। तो जब भी हम सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जब हम कोई रिलेशन निकालते हैं, तो उसको हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अब तक जितने भी हमने पढ़े, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये सारे और भी बहुत सारे होते हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए, जैसे एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, बहुत सारे फंक्शंस के क्या होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उनके बीच में आपस में क्या कोई रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट आता है इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फर्स्ट एक ये भी रिलेशन ही है एक तरफ से। जैसे पहला इसमें आता है काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखो, ये अपने आप में एक रिलेशन है। और कैसा होगा, पहले इसकी डेफिनेशन जान लो, ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स कोई क्या है, देखो ये है इसकी डेफिनेशन, द स्क्वायर, देखो ये रिलेशन है नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर है, नाम ही है स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट याद है, जेड से डिनोट करते हैं, जो किसको डिनोट करते हैं, जीरो और वन, जिसका मीन जीरो होता है, वेरिएंस वन होता है, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। उसका अगर क्या कर दें, वेरिएट का स्क्वायर कर दें, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिलेशन ही है कि नहीं है, एक तरफ से क्या है, रिलेशन ही है ना। कैसे, हमको करना क्या है, पहले नॉर्मल होगा, उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो दिस इज अ ओनली रिलेशन, ठीक है। एग्जाम जैसे दैट इज, कैसे बोल सकते हैं हम, दैट इज सपोज करो, मान लो आपके पास क्या है, एक्स एक नॉर्मल, ठीक है, एग्जाम ऐसे देख सकते हैं, इफ एक्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल वेरिएट को डिनोट करता है नॉर्मल में, लिखे यहाँ पर म्यू लिखते हैं और यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्स अगर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स में क्या कर सकते हैं बताओ,
एक्स में म्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस करके और उसके किससे स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, नॉर्मल में। ठीक है, इसका मतलब एक्स में से मैं म्यू को माइनस करके इसको सिग्मा से क्या कर सकता हूँ, भाग कर दूं। अगर भाग करूंगा तो ये जो रेंडम वेरिएबल आता है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जिसका मीन क्या होता है जीरो और वेरियंस जो होता है वन होता है। ये मैं प्रूफ करके आपको वहां पर शो करके दिखा दिया हूँ। और इसी वेरिएबल को हम कोई और नहीं जेड के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये जो जेड है क्या बन जाता है, जेड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन जाता है। कहानी समझ भाई, ये जेड क्या बनाता है, जेड जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये मैंने आप लोगों को पहले करा चुका हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनता है। अब ये क्या कहता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर दो, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जेड का स्क्वायर, या फिर जेड का स्क्वायर कौन होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो नया वेरिएबल बनेगा ये किसको अप्रोच करेगा, यानी किसको फॉलो करेगा, बोल रहा है काई डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, ठीक है, ये जो है फॉलो करता है काई डिस्ट्रीब्यूशन विथ, थ्योरी लिख देता हूं आप लोग को यहां पर, इज अ काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ये काई डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो यहां लिखना पड़ता है यहां पर विथ विथ वन DF, ठीक है, कोई बता सकता है ये DF क्या है, किसी को आइडिया है, विथ वन DF लिखा हूं मतलब क्या है, किसी को आइडिया है, बताओ, कोई जानता है तो बताओ, ये DF क्या होता है यहाँ पर, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये DF मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को किसको बोलते हैं यहाँ पर, बताओ, क्या कोई जानता है, और ये वन क्यों लिखे, वन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वन क्यों लिखे, बताओ, किसी को आता है, जानकारी है इसके बारे में कि नहीं, बोलो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और नहीं, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स नॉर्मल वेरिएट। ये जो नॉर्मल वेरिएट यूज हो रहा है एक्स, तो उसी को क्या बोलते हैं, या फिर नॉर्मल वेरिएट बोले, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्या लिखे, पावर को देखते हैं, नहीं पावर को नहीं देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएट, इसमें एक्स दिख रहा है, एक्स एक ही है ना, इसी वजह से ये एक्स ही है, ये एक्स की संख्या, एक्स क्या है, इसका नॉर्मल वेरिएट है, तो ये जो एक्स है वो एक ही है, इसी वजह से वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो होगा तो दो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। ठीक है, पावर को नहीं देखते हैं, वो एक्चुअल में ये बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएट कितने हैं, हमने कितने लिए हैं, एक्स एक ही लिया है ना, एक्स जो है एक ही वेरिएबल है, तो जब एक ही वेरिएबल होता है तो हम वहां पर वन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, एक से ज्यादा यूज करोगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यहां तक की चीजें क्लियर है सबको कि अगर x क्या है, यहां तक सबको समझ में आ गया है, x क्या है, अगर आपका नॉर्मल वेरिएट है जिसका म्यू क्या है, मीन है, और सिग्मा स्क्वायर क्या है, मीन है, वेरिएंस है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाते हैं, कैसे करके,
एक्स माइनस म्यू करके और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो ये जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनता है, जिसको हम जीरो और वन के नाम से डिनोट करते हैं। और इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं उसी को बोलते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ओनली क्या करना है, मतलब आपको क्वेश्चन में जब भी देगा तो नॉर्मल से ही देगा, नॉर्मल दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड नॉर्मल में, अब फिर उसका स्क्वायर करोगे वो आपका बन जाएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, काई स्क्वायर से। ठीक है, मतलब इसको अगर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा काई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर लिखा है इसलिए काई स्क्वायर होता है, और ब्रैकेट में यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जाता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो है फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट मैं इसका म्यू बताऊंगा कि उसका नोटेशन क्या बन जाएगा, तो एक फंक्शन के नाम से बता सकते हैं, मीन और वेरिएंस बताते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इसको इस तरह से बोलते हैं, ये जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब ये जो है क्या है फॉलो करेगा, ये लाइन देख के आपको समझ जाना है इसका मीन कितना है होता है। चलो अभी मीन तो बताया नहीं हूँ, मीन पहले देख लेते हैं फिर मैं इसका नोटेशन बताऊंगा। ठीक है, हाँ ये लिख सकता हूँ ऐसा शॉर्टकट में, 8H डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई काई, काई ऐसा बनाते हैं स्क्वायर बनाना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देना ऐसा। ठीक है, इसके बेस पे अगर देखा जाए तो जनरल फॉर्म कैसा होगा, इन जनरल देखो मान लो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, सपोज इन जनरल इफ एक्स आई नाम दे देता हूं, और जहां पर आई की वैल्यू क्या है 1, 2, n है, अगर ऐसे हैं ये सारे आपस में क्या है इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है, बहुत सारे हैं, कितने एन हैं, अगर ये नॉर्मल वेरिएट हैं तो इनकी म्यू क्या होगी भाई, विथ म्यू आई, क्योंकि सबके अलग अलग मीन होंगे, तो उसको मैं म्यू आई दे देता हूँ, एंड वेरियंस को मैं नाम दे देता हूँ सिग्मा आई। ठीक है, एंड वेरियंस सिग्मा ऑफ आई का स्क्वायर, ये क्या है वेरियंस है, अगर इतना है देन तो काई स्क्वायर क्या बनेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिनोट होगा, देन काई स्क्वायर और यहां पर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों, क्योंकि आपके पास एन इंडिपेंडेंट क्या है वेरिएबल है। ठीक है, तो काई स्क्वायर और इसका क्या होगा एन बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होती है वो समेशन बनेगा, क्योंकि आप बहुत लोग को जोड़ोगे, तो यहाँ पर लिखो या ना लिखो ये बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, तो बाद में बता दूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी समेशन आई बराबर 1 to n तक, और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सभी का सम की वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या है इसको क्या बोलेंगे, इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ध्यान देना क्यों एन है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं एन है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। अब जब अपने आप में ये खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, एक वेरिएबल बन गया, वेरिएट बन गया, तो जाहिर सी बात है इसकी भी ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको याद रखना है। ठीक है, द PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या बनेगा उसको एफ ऑफ, जैसे वहां जेड होता तो एफ ऑफ जेड बोलेंगे, इसका काई है तो एफ ऑफ काई के नाम से निकलेगा, और एफ ऑफ काई का उसका स्क्वायर कर देना, और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एन लिख दोगे। ठीक है, तो मैं इसका जस्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको याद रख लेनी है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 to the power में n/2 गामा में n/2 into में e to the power में माइनस
काई एक्स स्क्वायर बाई टू, अगर काई है तो काई स्क्वायर बाई टू, और इनटू में अलग से आएगा काई स्क्वायर की होल पावर एन अपॉन टू माइनस वन, ये याद रखना चाहिए ठीक है। और एन अपॉन टू माइनस वन होता है, ये पूरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ किसका, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, जो कि एक्सपोनेंशियल से आया गया। अब अगर ऐसा है तो फिर इसका भी हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट अब इसका कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, आपको पहले भी सिखाया गया है। मोमेंट मतलब हम दो ही चीज बात करते हैं, मीन और वेरिएंस। तो मोमेंट इसका निकालना पड़ेगा, काई का मोमेंट निकालना पड़ेगा और वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो काई का मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला आता है मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करा जाए भाई, मीन के लिए बताया हूं मैं, अगर आपको मीन कैलकुलेट करनी है तो मीन कैलकुलेट करना मतलब एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेनी है ठीक है। मीन मतलब कुछ और नहीं, मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड ऑफ काई ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बोल दो, और एक्स का मतलब यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। याद करो कि हम अगर हम मीन बोले, मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो बाई इंटीग्रेशन मेथड से जाते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्स इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यही होती है एन टू में डी एक्स होता है। और लिमिट इसकी क्या होगी, ये हमेशा जो है जीरो से इन्फिनिटी लिखा जाता है, क्योंकि ये जो काई है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में रहती है इस वजह से ठीक है। मतलब यहाँ पर हम काई स्क्वायर की वैल्यू क्या बोलते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों होता है, रीजन उसके पीछे लॉजिक ये है कि इसका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। इसका रेंज जीरो से लेके इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मालूम है, ला के रखोगे, यहाँ पर पी एक्स से जगह एफ एक्स लिखा जाएगा ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू मालूम है, ला के रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो इसको रख के देखते हैं कितना मिलेगा मीन, देखें तो मीन की वैल्यू मिलेगी जीरो टू इन्फिनिटी, और एक्स अपने जगह है, एफ एक्स की वैल्यू जहां जहां खाई है वहां वहां एक्स डालोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा चीज एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 टू द पावर n/2, 1/2 टू द पावर n/2 गामा में एन बाई टू इंटू में ई टू द पावर में माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में एक्स बाई टू की पावर में एक्स की पावर में क्या होती है, एक्स की पावर में एन अपॉन टू माइनस वन इंटू में डी एक्स, ये पूरा फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ठीक है। और यहाँ शायद काई स्क्वायर चलता है तो इसलिए हर जगह काई स्क्वायर रहता है, अभी काई के जगह हम एक्स, काई स्क्वायर के जगह ही हम क्या डाल रहे हैं, एक्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हर जगह एक्स बस आएगा ठीक है एक्स। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करना है, अब देखो ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर कर दो, कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, तो 1/2 टू द पावर n/2 बाहर हो जाएगा, गामा में n/2 बाहर हो जाएगा, क्या बचने वाला है इंटीग्रेशन 0 टू द पावर x, और ये x क्या हो जाएगा पावर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस बचेगा e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 इंटू में x के पावर बस n/2 बचेगा इंटू में dx बचेगा। और अगर आपको गामा फंक्शन याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गामा फंक्शन मैं बता देता हूँ यहाँ पर होता क्या। एक्चुअल में गामा फंक्शन क्या होता है, वो ये होता है, देख लो गामा फंक्शन क्या कहता है, गामा ऑफ एन बराबर होता है जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए, ई टू दी पावर में माइनस एक्स होना चाहिए, एक्स की पावर में एन माइनस वन होना चाहिए, अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला आपको याद रखने के हैं ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। इसको हम गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं ठीक है, क्या जीरो टू इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं गामा एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन है, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है बताओ, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसी का एक जनरलाइज फॉर्मूला, या तो इसको एक्स बाई टू को टी मान के चला सकते हो,
या तो एक्स बाई टू को आप क्या लेके चल सकते हो, टी लेके चल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये एक यूज कर सकते हो पहला, अदरवाइज एक और फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, वो क्या होता है कि अगर आपके पास क्या मिल जाए, गामा ऑफ एन अपॉन ए टू दी पावर एन यूज करते हैं, ये तब यूज करना है जब यही क्वेश्चन कैसा बन जाए, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ एक्स नहीं है इन्फिनिटी है, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के जगह ए एक्स अगर आ जाए तब के केस के लिए, ठीक है। अगर ऐसा दिखाई दे बाकी चीजें सब सेम है तो ये यूज करना। तो फर्स्ट ए फॉर्मूला जब सिंपल हो, अगर सिंपल के ना हो उसके जगह कुछ और दिख रहा है तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेनी है, दोनों आपके सवाल हल करने में काम आएगी। ठीक है, क्या लिखा गया है फॉर्मूला, गामा एन का फॉर्मूला कहता है ई टू दी पावर में माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस एन, यहाँ वन है इसलिए गामा एन बटे वन है, तब यहाँ ए हो जाएगा कोई भी नंबर आएगा तो उसके लिख लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एन लिखना पड़ता है, गामा एन बटा ए की पावर एन, तो ये इसका फॉर्मूला जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो इसको एक्स बाई टू को टी लेके हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, जिसको इंटीग्रेशन नहीं है जल्दी बनता है तो उसके लिए ये है कि ये फॉर्मूला याद रख ले। अगर मैं आपसे बोलूं इसका कंपैरिजन यहाँ से करोगे तो ए के रिप्लेस पे कितना दिख रहा है, तो अच्छे से देखोगे ए के जगह माइनस था है एक्स को छोड़ के, तो वन बाई टू, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, वन बाई टू दिख रही है, ठीक है। लेकिन एन के जगह भी एन माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पर एन बाई टू वन बस है, ठीक है, माइनस वन नहीं दिया, तो इसको अपन क्या करेंगे, अपन कल पहले इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको वन अपॉन टू दी पावर में एन अपॉन टू अपने जगह रहेगा, गामा में एन बाई टू अपने जगह रहेगा, यहाँ पर देखो कन्वर्ट करो बनाने की कोशिश करो, ई टू दी पावर में जीरो से, ये तो जीरो से इन्फिनिटी, ई टू दी पावर माइनस वन बाई टू इंटू में एक्स, इस चीज को लिख रहा हूँ, एक्स बाई टू को ऐसा लिख ही सकते हैं, इंटू में एक्स की पावर में वहाँ माइनस वन होना चाहिए लेकिन है तो नहीं, तो नहीं है तो इसमें प्लस वन कर दो और अलग से माइनस वन कर दो, बात एक ही चीज़ है। अब देखो ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, इसको यही चीज को लिखा हूँ, वहां पर एक जोड़ा हूँ एक सब्ट्रैक्ट किया हूँ, वन ऐड किया हूँ एंड वन सब्ट्रैक्ट किया हूँ, वो कैंसिल होके वही आएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे यही आएगा, तो उसको मैं इस फॉर्म में बनाने की कोशिश किया हूँ। अब कंपेयर करो एन के जगह कितना दिख रहा है और ए के जगह कितना दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो वैसे ही रहेगा वन अपॉन टू की पावर एन बाई टू अपने जगह रहेगा, गामा में एन बाई टू अपने जगह रहेगा, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, गामा में एन, एन के जगह ये चल रहा है क्या, एन बाई टू प्लस वन और डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई ए की पावर एन, ए की वैल्यू यहाँ पर वन बाई टू है तो वन बाई टू की पावर एन आएगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, वन अपॉन टू की पावर एन बाई टू गामा में एन अपॉन टू, इसको बाहर कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ जस्ट, गामा में एन प्लस वन होता है तो क्या होता है एन गामा एन लिखते हैं, यानी कि ये जो प्लस वन चल उसको छोड़ देते हैं एन गामा एन लिखते हैं, तो इसको भी क्या लिखना चाहिए बताओ, गामा एन बाई टू गामा में एन बाई टू लिख सकते हैं, डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं वन बाई टू की पावर में एन ही है ये, ठीक है, ए की वैल्यू तो वन बाई टू थी, ठीक है, तो ये कितना बनेगा टू की पावर एन बनेगा बस, ठीक है। अब क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है देख लो, कैंसल कौन 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 सा कैंसल हो गया, यहाँ से गामा में एन बाई टू, गामा में एन बाई टू कैंसल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा, ये टू की पावर एन, ये इसके साथ आ जाएगा, तो एन इन टू 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 दी पावर एन डिवाइड बाई नीचे में ये टू और ये टू एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, तो टू इन टू ये टू की पावर में एन अपॉन टू। अब क्या होगा देखो, ये टू की पावर एन बाई टू ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये एन अपने जगह है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एन माइनस एन बाई टू करोगे तो टू की पावर में कट के कितना आ जाएगा, एन में से एन बटे दो हो गया तो एन बटे दो आएगा,
एक चीज और, शायद मैं कहीं मिस्टेक किया हूँ यहाँ पर, एन के रिप्लेस पर कितना है, एन बाई टू प्लस वन है, तो है ना, यहाँ भी कितना आना चाहिए फिर, एन बाई टू प्लस वन आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर एन था तो इसलिए एन आया था, यहाँ पर एन की जगह एन बाई टू प्लस वन है तो एन बाई टू प्लस वन आएगा, तो ये चेंज होने से ये कितनी बन जाएगी, वन बाई टू की पावर में एन बाई टू अलग से इनटू में, ये क्या बनेगा, वन बाई टू अलग से आ जाएगा ऐसा। फिर सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो, इधर से वन बाई टू, ये दो से ये दो को कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ क्या बचा एन, और यहां से ये भी कैंसिल हो गया, ये टू की पावर एन बाई टू है, ये वन बाई टू की पावर एन बाई टू, ये भी पूरा कैंसिल हो गया है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, ये टू की पावर कितनी है, एन अपॉन टू है, इनटू में ये वन अपॉन टू की पावर एन बाई टू है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा एन बचा, ठीक है, कैंसिल होकर कितना बचेगा, एन बचेगा। तो मीन कितना आया भाई, अगर आपका काई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यहां से हम बोल सकते हैं मीन कितना आ गया, मीन जो है एन हो गया। अब जब मीन हो गया तो वेरिएंस भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना सिंपलीफाई नहीं करना है हमको, तो डायरेक्ट याद रखना है कि वेरिएंस कितना होता है, तो वेरिएंस एक्चुअल में कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट इसका डबल टाइम कर देना है, टू एन, ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो अगर आपका कौन सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस के लिए हम मीन कितना लिखते हैं, उस केस के लिए हम मीन को लिखते हैं एन और वेरिएंस को कितना लिखते हैं, टू एन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एन क्या चीज है, तो एन कोई और नहीं है, अच्छे से याद रख लो कि एन आपका क्या था, एन जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम था, एन क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जितने उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएट होते हैं उसी की संख्या होगी, काउंट कर लो वही मीन होता है, उसका डबल ये कर दो यानी कि दो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो क्या निकल जाएगा, वेरियंस कैलकुलेट हो जाएगा। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे कैलकुलेट करना है, किसी को दिक्कत तो नहीं, तो बताओ। बताओ भाई यहाँ तक। बताओ किसी को, सबको आ गया समझ में, यस या नो बताओ। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए इसका एक और निकाल लेते हैं क्या, जो जो बेसिक चीज है वो सारी चीजें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगला होता है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ किसका, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका होता है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन काई स्क्वायर का 1 माइनस 2 टी की पावर है माइनस का एन बन टू, एन बाई टू, जहाँ एन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, तो ये इसका मोमेंट जनरेटिव फंक्शन होता है।
अब अगर ये तो मैंने नॉर्मल से कंपेयर किया, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर कर देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इसी में आप लोगों को पहले बता दूं गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो इसके साथ भी ये रिलेशन रखता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर गामा आ रहा है तो गामा के भी साथ ये रिलेशन रखता है। ठीक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता कुछ और नहीं, एक्स है कोई नॉर्मल, मतलब एक्स कोई क्या रैंडम वेरिएबल है, अगर ये गामा को फॉलो कर रहा है तो ऐसे गामा लिखते हैं, जिसके यहाँ पर मीन ए होता है और वेरिएंस कितना होता है, लेमडा होता है। ठीक है, तो ए और लेमडा पर ये नोटेशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। हालांकि ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ बट फिर भी यहाँ पर बता, क्योंकि इससे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्स जो है गामा वेरिएट है, तो ए कॉमा लेमडा दो पैरामीटर होते हैं इसमें, ए और लेमडा होते हैं। और इसका जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन होता है, इसका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि 1 - t / a होता है होल पावर माइनस का लेमडा होता है, ये इसका जेनरेटिव फंक्शन होता है। और ये इसका क्या है, वेरिएट का नोटेशन हो गया, ये मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन हो गया, और एक चीज ये, और इसी का एक और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है किस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर इसका होता है ये जो क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/√ में लेमडा, 1/ कितना होता है अंडर रूट में लेमडा e^2 में, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स बराबर होता है 1/√ में लेमडा इंटू में e^(-ax) e^(-ax) इंटू लेमडा a^(λ) इंटू x^(λ-1) होता है। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है, ये गामा वेरिएट है और ये इसका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे भी लॉजिक समझो, गामा से क्यों रिलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप में गामा से भी रिलेट रखता है। ठीक है, देखते जाओ कैसे। मान लो एक्स एक क्या है नॉर्मल वेरिएंट, क्या है एक्स एक एक्स फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा एक्स फॉलो कर रहा है किसको, काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 विथ 1 डिग्री फ्रीडम के साथ। ठीक है, ये एक्स जो है क्या है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितनी होती है भाई, एफ एक्स कितना होता है इसका बताया था अभी, इसका एफ एक्स होता है आपका 1/√2 - 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब n/2 होती है और n के जगह 1 डाल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना है 1 है ना, तो फॉर्मूला में यहाँ n/2 होता है तो 1/2 हो गया, गामा में 1/2 हो गया, और क्या होता है, क्या होता है e^(-) का x/2, तो ये x/2 हो गया और x^(n/2-1), तो यानी कि 1/2-1 बनेगा। ये जब हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जब एन की वैल्यू अगर 1 हो जाए तब के केस के लिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इस इक्वेशन 1 का कंपेयर इस इक्वेशन 2 से करके देखो क्या क्या कंपेरिजन मिला, देख के देखो। गामा में 1/√1/2 की वैल्यू कितनी होती है जानते हो, √π होती है फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये भी जो है लेमडा गामा में होता है, वो गामा में लेमडा होता है। ठीक, गामा फंक्शन है ना, तो गामा में लेमडा रूट नहीं होता है, गामा लेमडा होता है। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, सोच के देखो, कंपेरिजन करोगे तो ए की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहीं से दिख रहा है x^(λ-1), मतलब लेमडा की वैल्यू यहीं से कितना मिल रही है, कंपेरिजन होने से पता चलेगा कि भाई लेमडा की वैल्यू तो 1/2 है, यहाँ भी दिख रहा है गामा में लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू तो 1/2 है, और बच गया ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सोच के देखो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सोच
सोचो ए की वैल्यू क्या होगी। इसी को ही ऊपर उठाओगे तो ये बन जाएगा, ये क्या है, गामा है ना, ये अंदर में है, तो ये तो गामा की वैल्यू मिल गई है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू मिल गई, तो ये 2 की, यही ए है, यानी कि ए की वैल्यू भी 1/2 है यहाँ से। दूसरी चीज, यहां पर देखो ए एक्स है, तो यहां पर एक्स बाई टू, ये इसका आधा है, दिख रहा है, ये इसका कितना है, आधा है, तो एक्स है तो यहाँ पर एक्स बाई टू है। मतलब अगर मैं पुट कर दूं, क्या एक न्यू वेरिएबल को पुट कर दूं, यानी कि अगर मैं एक्स के जगह एक्स बाई टू, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू लेट कर लूं, स्मॉल एक्स के जगह वाई बाई टू पुट कर दूं, स्मॉल एक्स की जगह क्या पुट कर दिया जाए, इस एफ एक्स में एक्स की जगह कितना पुट कर दिया जाए, वाई बाई टू, लेमडा के जगह 1/2, ए के जगह 1/2, ओवरऑल ये बन जाएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ए की पावर में ए की पावर -x/2 होती है ना फॉर्मूला के हिसाब से, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में ए की पावर कितनी होती है, यहां पर बोल रहे हो क्या, ए की पावर में ए की पावर -x है, यहां पर ए की पावर -x/2 होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। e की पावर में -1/2 होगा, -x/2 कैसे, x -x/2 तो रहेगा ही रहेगा ना, x रहता है ना, -1/2 कहाँ होता है, यहाँ x/2 होता है। ये गामा का है, गामा फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है, ठीक है, ये आपका अलग से चल रहा है, एक्स के जगह, ठीक है, चाहो तो इसको अगर आप ऐसा ऐसा आपको लग रहा है तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो चेंज कर दूंगा, वेरिएबल को बदल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, तो इसको आप चाहो तो वेरिएबल को बदल दो ना, जरूरी थोड़ी है एक्स ही होता है, इसको आप वेरिएबल को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वाई लिख दो, वाई जो है गामा वेरिएट हो गया, तो एक्स के जगह आप क्या लिख दो, वाई लिख दो, तो आपको जहाँ समझ में आ जाएगा तो ये एफ ऑफ वाई चलेगा, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर एफ वाई ना देखे आप क्या लिख सकते हैं, इसको जी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के रिप्लेस पे वाई डाल दो, बस तब कंपेरिजन करने में अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो फिर इसके लिए है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का यहीं तक का था, ये अलग से हम लोग कर रहे हैं कि मान लेते हैं एक्स जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री फ्रीडम मतलब एक ही वेरिएबल है एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, इसको देख के अगर मैं कंपेयर किया, अगर मैं बोला ए के जगह 1/2 रख दिया जाए, लेमडा के जगह कितना 1/2 रख दिया जाए, और यहाँ से देखो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई से कंपेयर करो, वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, x/2 दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो वाई की वैल्यू कितनी, x/2, ऐसा लिख लो, मतलब वाई के जगह x/2 पुट कर दो, बात समझ रहे हो, जब वाई की वैल्यू x/2 पुट करोगे, हाँ वो गामा का फंक्शन है और ये इधर दूसरा फंक्शन है, ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो ये कहीं ना कहीं यही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो ये किसका बन जाएगा, काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो अंतर क्या आया, सिर्फ जब आपका वो वाई है, मतलब अगर इससे ये क्लियर हो गया है कि क्या 8 इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि जो आपका क्या कौन सा काई स्क्वायर के लिए जो वेरिएबल यूज किए थे, इसका अगर आधा कर दिया जाए तो ये जो फंक्शन बनता है किसमें, गामा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि देखो अब तक हमने सिर्फ क्या लिखा था, काई स्क्वायर के लिए फंक्शन लिखा था, ठीक है, तो उस फंक्शन का अगर आधा कर दें, कहीं ना कहीं ये इसका आधा है, ठीक है, ये जो है इस वेरिएबल से आधा है, मतलब अगर हम देखें तो x/2 का जब हम हाफ करते हैं वो कहीं ना कहीं y को बन जाता है, और ये x आपका कौन सा था, ये आपका x आपका था काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का भी आधा कर दिया जाए,
हाफ कर दिया जाए तो हमको गामा में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिलेशन है। और ये कैसा है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब 1/2 x जो है, हाफ जो है वो किसको वेरिएट करेगा, गामा में बदल जाएगा। और गामा का नोटेशन क्या होता है, गामा ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा था, ए और सिग्मा का स्क्वायर बोला था, लेकिन वो स्पेशल केस हो गए। तो स्पेशल केस हो गए तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू 1/2 वेरिएट लिख सकते हो यहाँ पर ऐसा। तो काई स्क्वायर का हाफ गामा में कन्वर्ट हो जाता है, काई स्क्वायर का हाफ जो है वो किसको बनता है, गामा वेरिएट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर दो नॉर्मल वेरिएट ले ले तो ध्यान से देखो, ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में, कि अगर x1 काई स्क्वायर 1, ठीक है, यानी कि x1 फॉलो करता है काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड x1 है, एंड x2 भी है वो भी किसको फॉलो करता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ऐसा है देन इनका प्रोडक्ट यानी कि सम करेंगे, x1 प्लस x2 भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही करेगा। ठीक है, क्यों, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। x1 प्लस x2 कैसे करेंगे, x1 प्लस x2 को आप क्या नाम दे दो, जेड नाम दे दो। ठीक है, क्या नाम दे दो, जेड दे दो। तो भाई इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ही बनेगा, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना बनेगा, एम एक्स वन, इसका मोमेंट जनरेटिंग बताया था 1 - 2t, अभी लिखाया है यहाँ पर 1 - क्या लिखा हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1 - 2t की पावर n/2, तो क्या बनेगा 1 - 2t की पावर 1/2, n/2 था तो 1/2 हो गया। एम एक्स टू ओवर टी क्या बनेगा, 1 - 2t की पावर 1/2 बनेगा। दोनों का सम करना है तो हमको पता है कि भाई मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ किसका, जेड का कैलकुलेट करना हो तो जेड का कैलकुलेट करने के, ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट है, एंड ये भी बोल दो, एंड x1 x2 कैसे हैं, आर इंडिपेंडेंट। और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो मैंने सिखाया आपको इनके सम के हटा के वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, x1t इंटू मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ x2t इसके बराबर हो जाता है। और इसका मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, इसका मोमेंट जनरेटिव फंक्शन लगाओगे तो कितना मिलेगा बोलो, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ जेड इसका बनने वाला है 1 - 2t की पावर में n/n के जगह 1/2, और इंटू में 1 - 2t की पावर में 1/2, कितना हो जाएगा, ये बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगा तो 1 - 2t की पावर ½ n/½ 1 हो जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ जेड भी अपने आप में क्या फॉलो कर रहा है, ये भी तो इसका मतलब जेड भी फॉलो कर रहा है किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये अपने आप में जेड भी क्या है बताओ, हाँ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा सोचो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा कि कितना होगा, दोनों के सम है ना, ये 1 हो गया तो हाफ और हाफ क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ पर जो जेड है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जेड मीन्स x1 प्लस x2 था, तो x1 प्लस x2 का कितना होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ 1 + 1, दो वेरिएबल हो गए ना x1 प्लस x2, तो दो वेरिएबल हो गए हैं, जेड मीन्स x1 प्लस x2 है तो ये इसका बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर x1 जो है फॉलो करता है नॉर्मल वेरिएट को, ए कौन सा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विथ n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और x2 एक न्यू वेरिएबल है जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n2 है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इनका सम x1 प्लस x2 इज ऑल्सो फॉलोड बाई काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 इट्स सम।
ये होता है, क्योंकि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दो हो जाए। क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मैं क्या सिखाया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नहीं आप 1/2 जो बोल रहे हो, 1/2 नहीं हो तो फॉर्मूला में 1/2 होता है, एन तो ऊपर होता है ना, एन की वैल्यू 1 और 1 ऐसा होती है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये देखना है हमको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स बताता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, दो थे ना, x1 और x2, इस वजह से तो उसकी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके सम के बराबर, तो वहां मैंने 1 लिखा था इसलिए यहाँ पर 1 के जगह 2 लिखते, और अगर n1 n2 लिखोगे तो n1 + n2 लिखोगे, ठीक है। देखो वो आपको जो है, आप जो व्हाट्सएप में भेजे हो मुझे, वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए समेशन लगा दो, एकदम सिंपल तो है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, समेशन लगाना है, क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, और एक्सपेक्टेशन क्या होता है, फंक्शन दिया हुआ है आपका, एफ एक्स दिया हुआ है, 1/3 की पावर एक्स लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, x into 1/3 की पावर एक्स है, इसको सॉल्व करो आ जाएगा, एक्स की जगह 1 2 3 पुट करते जाओ आपको, एक तो ये तो इस टाइप की चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इस टाइप की चीज एक्स जगह 1 2 3 पुट करते जाओगे तो सीरीज बनेगा, एक जियोमेट्रिक और एक एपी सीरीज बनेगी, दोनों को सॉल्व करने का ट्रिक सिखाया गया आपको, कर लोगे नहीं तो लास्ट के इस वीडियो के लास्ट के एंड में मैं आपको बता दूंगा इसका, ठीक है, क्या आएगा। ये है तो एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
लिखा हुआ है कि एक्स वन से लेके एक्स दस तक, ठीक है, लेट एक्स वन एक्स टू डैश 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 एक्स टेन, दस क्या है आपके पी, जब एक से ज्यादा होते हैं ना तो पूरा नहीं लिखा जाता, शॉर्टकट में लिख दिया जाता है आई आई डी लिख दिया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारे जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, क्योंकि ये बता रहा है 0 1 मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गए, ठीक है, रैंडम वेरिएबल अगर ऐसा है, ठीक है। इफ यहाँ पर टी एक न्यू वेरिएबल है और वो कोई और नहीं इनका सम है, एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर प्लस डेड डेड एस प्लस एक्स टेन तक का स्क्वायर है, देन कैलकुलेट करनी है। देख लो भाई यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t का कितना होगा, और ऑप्शन गिवेन है पहला 1/6, 1/8, 3/4, 4th है 1/10, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है भाई, इसको समझ लो अच्छे से क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स टेन, ये सारे 10 क्या है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और एक टी एक न्यू वेरिएबल जो इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई किसी को आइडिया, कोई बता सकता है कि क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन? अब इस टाइप का कभी सॉल्व नहीं करे हो तो शायद नहीं बना पाओगे अभी, ठीक है। आओ एक एक चीज को समझते हैं। इन शॉर्ट एक्स आई लिख दो, नॉर्मल वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, विथ मीन 0 है एंड वेरियंस इज 1 है, वेयर आई का मतलब बता दो, आई की वैल्यू क्या है 1 से लेके 1 2 3 डैश 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 10 तक है। तो ये जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है, तो जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, जितने भी कौन से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हैं उनका अगर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो बताओ ये किसको फॉलो करता है, अभी सिखाया है तो ये जो है फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका नीचे लिखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने वेरिएबल हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बताओ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ इस क्वेश्चन का कितना आएगा। अगर एक्स जो है नॉर्मल वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। वेरी गुड, 10 कितनी आएगी इसका, 10 आएगा, क्यों, क्योंकि 10 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कहानी समझ में आ गई, और ये एक्स आई का स्क्वायर जो है काई स्क्वायर बन चुका, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, और इसी का ही तो सम करना है। इसका मतलब अगर मैं इसमें क्या कर दूं, समेशन लगा दूं, है ना, ये तो एक एक का है, वो 1 1 को फॉलो कर रहा था, यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, एक लाइन और लिख लो यहाँ पर, कि एक्स आई किसको, अगर ये नॉर्मल वेरिएट है तो X1 किसको फॉलो करेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है। तो एक तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ एक चीज और, मैं यहाँ पर जब सबका सम करेंगे उसको नाम देना है ना, टी नाम दिए, टी तो इसका सम है, एक्स आई जो है ये स्क्वायर फॉलो करेगा किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर नहीं, इसको जोड़ के जो नया वेरिएबल बनता है उसका, यानी कि टी का जो है फॉलो करेगा किसको, टी की वैल्यू, ध्यान से समझो इस चीज को, मैं लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, एक्स आई का स्क्वायर करते हैं वो उसकी डिग्री फ्रीडम 1 होगी, क्योंकि X1 का 1, X2 का 1, X3 का 1, सबका आएगा, जब सबको ऐड कर दोगे तो एक न्यू वेरिएबल मिलेगा जिसको हम टी नाम दिए हैं, टी जो है उनका सम है, टी कौन है, उसका सम है ना। इट मीन्स यहाँ पर क्या है भाई, X1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई के जगह 1 2 3 डालोगे तो X1 का स्क्वायर,
प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस जेड एड एड एस प्लस एक्स टेन का स्क्वायर, ये जो है किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टी नाम दिए, तो टी फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई जब आपको पता चल गया टी एक न्यू वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या आप इसका एफ ऑफ टी बना सकते हो, जैसे एफ एक्स होता था टी है तो टी नाम दे देना, एफ ऑफ टी गामा फंक्शन इसका क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/2 to the power n/2 होती है, n की वैल्यू 10 है तो 10/2 गामा में 10/2 इंटू ई टू दी पावर में माइनस का एक्स बाई टू होता है, तो ये तो अपने जगह रहेगा, एक्स से जगह हम टी बाई टू यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है बताओ भाई, एफ ऑफ टी बाई टू हो गया इंटू में एक्स के जगह टी बाई टी होता है ना, एक्स की पावर एन बाई टू माइनस वन होती है तो 10/2 -1 हो जाएगा। ओवरऑल यह कितना आएगा बोलो भाई, 1/2 की पावर 5 गामा में 5 इंटू ई टू दी पावर में माइनस टी बाई टू इंटू में टी की पावर 5 -1 4 हो गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ टी की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब सबका आ गया, तो यहां तक की बात जब हो गई, एफ टी मिल गया हमको, एफ टी नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ चाहिए एफ ऑफ टी की। तो भैया आप किसी का भी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t का भी निकालना हो, तो चूंकि एक्स आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो कंटिन्यूस के लिए 0 से ∞ चलता है, और एक्स के जगह हम ये यूज करेंगे जो वेरिएबल यूज कर, 1/t × f(t), ये तो कंपलसरी है, इंटू में dt करना है। कहानी समझ में आई कि नहीं भाई, बोलो। उसके बाद 1/t अपने जगह रहेगा, 0 से ∞ 1/t इंटू एफ टी की वैल्यू गिवन है 1/2 की पावर कितनी थी 5, और गामा 5 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर 5 इंटू में गामा, इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल ई टू दी पावर में माइनस का टी बाई टू इंटू में टी की पावर में 4 इंटू डी टी। ये टी से ये टी कटेगा, टी की पावर 3 बनेगा, तो जो बाहर निकालने वाला पार्ट है वो बाहर निकाल दो, 1/2 की पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 से ∞ है, e की पावर माइनस टी बाई टू है इंटू में टी की पावर 4 dt है। और अभी मैं आपको सिखाया इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट e की पावर में a, a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, t की पावर n/2 -1 कर सकते हो उसको, इसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 to ∞ e टू दी पावर माइनस 1/2 को अलग से लिख के इंटू में t लिख दो, और t की पावर में 5 - 1 लिख दो, है वही चीज, और ये बन गया गामा, इसका गामा 5 है ना, तो ये बन गया बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t की वैल्यू कितनी आ गई, ये मिल गया 1/2 की पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में, इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया गामा में 5 डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2 की पावर n, n आपका 5 है, समझ में आई बात, n आपका 5 है, ये a की वैल्यू 1/2 है, फॉर्मूला के हिसाब से लाके रख दोगे तो ये मिलेगा, ये भी कितना आएगा भाई 1/2 की पावर 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल है, ये भी 2 की 1/2 की पावर 5 है, तो कितना कटेगा बताओ भाई, इसका आंसर कितना आने वाला है। अच्छा एक चीज और, ये चीज है टी और टी कटेगा तो 3 बनेगा, मैं शायद यहाँ मिस्टेक कर दूँ, 3 आएगा, और 3 को अपन क्या लिखते हैं 4 - 1 लिखते हैं, 4 - 1 लिखते हैं मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, तो 4 गामा 4 का 3 फैक्टोरियल, एक कम होता है, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 1/2 की पावर 4 बनेगा, क्या होगा तो बताओ, सोचो, ये है 3 फैक्टोरियल गुणा ये 2 की घात 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 2 की घात 5 है गुणा 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या क्या कटेगा देखो, ये 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 की घात 4 से 2 की घात कट गया, तो 1/2 बच गया बस, और पहले से 4 है, टोटल कितना है 1/8, इसका आंसर कितना गया 1/8 t³।
क्लियर हुआ ये चीजें? बताओ, सबको समझ में आ गया? कहीं दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये सबको क्लियर हो गया? चलो एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है? आ जाओ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन है एक्स वन एक्स टू ऐसा एक्स दस है, आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करते हैं। टी एक न्यू वेरिएबल है, इनके स्क्वायर का सम है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में हो रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/t की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। सारी चीजें बता रहा हूँ कैसे आया, ध्यान से देखते जाओ। एक्स आई किसको किसको फॉलो करते हैं? नॉर्मल। एक्स आई मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है ना, तो इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया हम एक्स आई। ये जो है नॉर्मल वेरिएट है जहां पर आई की वैल्यू 1, 2, 3 है। और जब एक्स आई का स्क्वायर करते हैं तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। काई स्क्वायर बन जाता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। अरे भैया एक्स वन का स्क्वायर करोगे तो एक ही वेरिएबल है, एक्स टू भी वन को, एक्स थ्री भी वन को, सबका 1-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे, न्यू वेरिएबल बन गया। और इनका जो है डिग्री फ्रीडम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 10 है ऐसे, तो 10 10 हो गया इसका डिग्री फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड टी बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो है टी की वैल्यू हो गई। टी भी फॉलो करता है काई स्क्वायर, बस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, 1/2 की पावर n/2 होती है। ध्यान से सुनना, 1/2 की पावर n/2, n आपका 10 है, तो 10/2 गामा 10/2 1 की पावर -t/2 होती है वहां पर, एक्चुअल में x/2 होती है, टी है तो t/2 लिखा, t की पावर t/n/2 -1 होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ओके, अभी समझते जाओ पहले यहां से चीजें। यहां से कितना हो गया, ये 2 की घात 5 हो गया, ये गामा में 5 हो गया, 1 की पावर t/2 हो गया, t की पावर 4 हो गया। ठीक है, कई बच्चों को गामा नहीं क्लियर होता है तो यहीं पर मैं गामा बता देता हूँ। ये दो तीन चीजें हैं, नोट करके आपको याद रख लेनी है, क्योंकि जो है आप लोग को थोड़ा सा गामा का दिक्कत है। देखो, एक तो ये पहला कि गामा में n+1 का मतलब क्या होता है भाई, n γ n होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। अगर आपसे मैं बोलूं भाई 5 का बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 5 को 4 γ 4 लिखोगे कि नहीं? एक कम करके देखो, यहाँ n+1 है तो इसको 4+1 लिख सकते हो, तो 4 γ 4 लिखेंगे, फिर 4 को 3 γ 3 लिखेंगे, 2 γ 2 लिखेंगे, ऐसे चलते चले जाएगा ना। 4 इसको लिखेंगे कितना, 3 γ 3, फिर 3 को क्या लिखोगे, 4 × 3 × इसको लिखोगे 2 γ 2, और ये क्या बनेगा, 4 × 3 × 2 × 1, और ये क्या बन गया, ओवरऑल देखो अच्छे से क्या बन गया, 4 फैक्टोरियल बन गया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि गामा में अगर एन देगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, γ n+1 है, γ n+1 है, तो इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं, यानी कि जितना भी होगा उसका 1 कम फैक्टोरियल बोलते हैं। ये मैंने सिखाया था। ठीक है, तो ये इस γ 5 को आप क्या बोलोगे भाई, γ 5 की जगह क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। इस γ 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल, ये मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यूज किया है, यहाँ पर 1/t अपने जगह f(t) की वैल्यू पुट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए 1/t की, जो भी जिसका भी चाहिए उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1/t गुणा किया, f(t) की वैल्यू डाला, यहाँ पर मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों? क्योंकि γ 5 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। उसके बाद ये सारी चीजें बाहर चले गई, t कैंसिल हो गया, 4 का 3 बन गया, 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 − 1 लिख सकते हैं, t/2 को a/2 लिख दिया। अभी अच्छे से देखो, ये फॉर्मूला आज का मैंने बताया था गामा फंक्शन के लिए, 0 से ∞ e^-ax(x)n-1 dt हो तो क्या लिखते हैं, γ n/a^n लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ये n आपका कितना है, ये n आपका 4 हो गया, और a की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 की पावर 4 हो गई। 4 γ को क्या बोलेंगे, 1 कम, जितना भी होगा उसका 1 कम फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 है, 4 फैक्टोरियल है, 1/2 की पावर 4 है। अरे भैया 4 फैक्टोरियल को नहीं लिख सकते क्या, 4 × 3 फैक्टोरियल, और लिखना चाहो तो आप 4 × 3 × 2 × पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 4 फैक्टोरियल को तोड़ा है भाई, 4 फैक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 5 × 4 फैक्टोरियल, बात तो एक ही है ना भाई, ये 5, 4, 3, 2 ये एक ही तो है, उस चीज को ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो मुझे 4 फैक्टोरियल को लिखना था, 4 × 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 3 फैक्टोरियल कट गया, बच गया 4, ये 2 की घात 5 में से 2 की घात 4 कटेगा, 1 नीचे 2 बच जाएगा, 2 × 4 कटेगा, बचेगा 8 आ जाएगा। क्या अब सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। अभी भी किसी को डाउट है, कहीं दिक्कत है तो बताओ। आया सबको समझ में?
तो अकॉर्डिंग टू हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है इसमें, बोलो। 1/2, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं लिखा देता हूं आपको नोट पॉइंट करके, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? हो सकता है किसी किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ दे। नोट, फर्स्ट पॉइंट, पहला, इफ कोई भी X1, X2, X3, कोई भी X है, ठीक है, अगर X जो है फॉलो करता है किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर X जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और 0 और 1 एंड, तो इसका स्क्वायर किसको फॉलो करता है, अगर ऐसा है, का स्क्वायर को, ठीक है, यानी कि X का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर इज अ क्या, इज अ काई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज अ काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, ठीक है, अगर ऐसा है देन, तो इसका स्क्वायर बाई टू करोगे, काई स्क्वायर बाई टू करोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, काई स्क्वायर बाई टू कर देते हो तो ये जो है फॉलो करेगा किसको, गामा फंक्शन, ठीक है, गामा वेरिएट को बन, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर काई स्क्वायर को फॉलो करता है, काई स्क्वायर बाई टू गामा वेरिएट को फॉलो करता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जिसका पैरामीटर क्या था, गामा विथ पैरामीटर क्या होता है इसका, जितना भी होता है उसका हाफ हो जाता है, तो यानी 1 है तो इसका 1/2 को फॉलो करेगा। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज होने वाला है, जो कि वेरी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रख लेनी है, ठीक है, कि इफ, ये ध्यान से समझना, इफ X1, X2, डैश डैश डैश, XN, मान लो क्या है, एन वेरिएबल है, वी आर रैंडम, वी आर रैंडम सैंपल फॉर्म, क्या लिखा गया है, सैंपल फॉर्म, सैंपल मतलब बताया था ना आपको क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि लार्ज संख्या में जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल, तो जो पॉपुलेशन का सबसेट बनता है उसी को हम सैंपल बोलते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन का सबसेट ही है ये, एक्चुअल में कुछ नहीं, ये क्या है, वी आर रैंडम, ठीक है, सैंपल सैंपल फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल पॉपुलेशन, भाई उसके लिए नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, नॉर्मल पॉपुलेशन बोल दो, अगर ये ऐसा है विथ मीन, जिसका मीन क्या है, मान लो विथ मीन म्यू है, ठीक है, और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस जो है म्यू का सिग्मा का स्क्वायर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो देन हम इसका क्या निकाल लें, एक न्यू रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार, एक्स बार क्या है, ध्यान से समझना, ये एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे X1, X2, X3 कितने हैं, n रैंडम वेरिएबल है और सैंपल पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है, लिखा है ना, सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन मतलब जो है सैंपल है, तो सैंपल मतलब बताया था पॉपुलेशन का सबसेट होता है, ठीक है, उसके बाद एक्स बार एक न्यू वेरिएबल, एक्स बार कैसे होता है, मीन है, इनका मीन निकालना है, यानी कि X1 प्लस X2 प्लस X3 सबको डिवाइड करके n से भाग करना, दिस इज कॉल्ड एक्स बार, ठीक है, तो एक्स बार जो है ये भी अपने आप में फॉलो करता है, ध्यान से समझना, एक्स बार भी किसको फॉलो करेगा, पहला एक्स बार भी फॉलो करेगा किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ही, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मीन म्यू रहेगा और वेरिएंस कितना हो जाएगा, यानी कि इसका जो मीन है
इसका मीन म्यू ही रहता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये जो है क्या वेरियंस चेंज हो जाता है, वेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाता है। ये हमने आपको सिखाया था एक क्लास में कि जब हम उसका क्या निकालते हैं, सबको जोड़ के एन से भाग करते हैं, ये मैं शायद पिछले क्लास में लास्ट क्लास में इसको बताया था, सबको ऐड करके उसको क्या करते हैं हम, एन से भाग करते हैं। तो जब हम उसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो उसके लिए मीन आता है वो म्यू ही आता है। तो मीन दोनों का सेम रहता है, लेकिन वेरिएंस बदल जाता है, सिग्मा स्क्वायर बटा एन था, ये मैं आपको सिखाया था वहां पर। तो ये एक्स बार फॉलो करता है इस, ये भी नॉर्मल ही है, एक्स बार इज फॉलो नॉर्मल वेरिएट विथ मीन म्यू रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड वेरियंस चेंज होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाता है। उसके बाद जब अगर ऐसा हो गया तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, ध्यान से समझना, इसका सेकेंड पार्ट वो जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखना जो चीजें बता रहा हूँ, ये एक्स बार है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स बार, यानी कि वहां पर म्यू निकालते थे, यहाँ पर मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक्स बार को माइनस कर रहा हूँ। ध्यान से अच्छे से समझोगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने एक्स बार में से मीन को माइनस करके सिग्मा से भाग करना था, यहाँ पर मैं क्या, और इसका स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करते हैं तो ये फॉलो करता है किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ मैंने मीन के जगह क्या लिखा हूँ, म्यू के जगह एक्स बार लिख दिया, यानी कि एक्स बार कोई और नहीं, एक्स बार क्या है, एक्स बार जो है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन बाई इन सबका सम डिवाइड बाई टेन है। तो इसका मतलब ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या बन गया, क्या बन गया, डिपेंडेंट बन गया, एक पर डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया भाई, क्योंकि एक्स बार कुछ और थोड़ी, एक्स बार तो इनका सम है, तो ये एक्स बार तो इसका डिपेंडेंट हो गया। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो गए वेरिएबल, वैसे तो एक दो तीन, ये तो एन हो गया, और एन और एक एक एन प्लस वन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर जो मीन निकलेगा और इसका समेशन कर दिए, समेशन कर दिए, तो फिर ये जो है क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर मैं समेशन लिख दे रहा हूँ, और क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्स आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ उल्टा लिख दिए, एक्स आई लिख दिया, अभी तक एक है तो एक है ना, ध्यान से समझना, चलो ठीक है, इसको भी मैं अलग से बना देता हूँ सेकेंड। तो ये जो है किसको फॉलो करेगा, वन कितना, एक ही एक्स है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अच्छा, हमको तो इसका सम निकालना है, सबके लिए निकालना है ना, तो सबके लिए निकालोगे तो ये जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बनेगा, समेशन आई इक्वल, यहाँ एक्स आई डाल दो, आई बराबर 1 से लेके कहाँ तक, एन तक के वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, तो ये जो डिग्री फ्रीडम निकलेगी वो भी फॉलो करेगा किसको, काई स्क्वायर को, लेकिन n-1 डिग्री फ्रीडम। n-1 क्यों लिखा हूं मैं, रीजन रीजन यही है क्योंकि ये जो एक्स बार है ये क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, x1 x2 x3, वैसे n होने चाहिए थे लेकिन ये डिपेंडेंट है करके, इसलिए एक कम हो जाएगी डिग्री फ्रीडम, ठीक है। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसका मतलब इस, इन शॉर्ट मैं कैसा लिख सकता हूँ, इन शॉर्ट ये लिख सकता हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे, एक्स माइनस म्यू दिखाई देगा डिवाइड बाई सिग्मा और इसका स्क्वायर दिखाई देगा, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर, अगर इसका डिग्री फ्रीडम 1 है या एन है, इसकी डिग्री फ्रीडम कितनी है, एन है, तो ये एन लिखा जाता है, ठीक है, काई स्क्वायर एन डिग्री फ्रीडम। लेकिन अगर यही चीज अगर यहाँ म्यू की जगह हम एक्स बार से माइनस कर दें, एक्स माइनस एक्स बार से करें, तो ये जो है किसको फॉलो करेगा, यहाँ पर ये जो फॉलो करेगा किसको, डिग्री स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1 डिग्री फ्रीडम, ये चीजें ध्यान देना। तो यहां पर ये चीजें नोट करके देख लेना कि जब म्यू होगा, एक्स बार में से म्यू को माइनस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एन डिग्री फ्रीडम, इसकी डिग्री जितनी होती है वही लिख देते हैं, और यदि एक्स में से एक्स बार को ही माइनस करते हो तो ये जो मीन निकालते हैं, मीन का मीन है, तो एक्चुअल में मीन निकालने के बाद उसको सम करते हैं, तो ये भी अपने आप में मीन ही है, तो ये जो है डिपेंडेंट हो जाने की वजह से इसकी अगर एन डिग्री फ्रीडम है तो ये बन जाएगा n-1 डिग्री फ्रीडम, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये एक और वेरिएबल उसमें जो है क्या है, डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
अभी क्या बोल रहे हो, एक क्षण, कौन भेजा है व्हाट्सएप में क्वेश्चन, कोई भेजा है, उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये इस आज की टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट किसी ने क्वेश्चन भेजा है, उसका जवाब दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। वेरिएबल एक्स हुज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है और क्या दिया हुआ है, इज गिवन बाय, किसने पूछा है भाई, बता सकते हो अपना नाम, अपना नाम दर्ज कर सकते हो, 1/3 की पावर एक्स, और एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 डे 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 है। जीरो पॉइंट सेवन फाइव है, तीसरा नंबर है 0.3 है, फोर्थ नंबर है 0.4 है। कैसे सॉल्व होगा बताओ भाई, सिंपल, ये दिख रहा है डिस्क्रीट है तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं, एकदम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, बस बोला है एक्स निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बस बोला है, और इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन बनाओ एक्स बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब क्या करना है, समेशन बनाओ एक्स बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, एक्स अपने जगह रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी है, 1/3 की पावर एक्स होल पावर एक्स। अब इसका मतलब क्या, एक्स की जगह 1, 2, 3 पुट करना है, 1, 2, 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा भाई, 1 × 1/3 की पावर 1 प्लस 2 × 1/3 की पावर 2 प्लस 3 × 1/3 की पावर 3 प्लस 4 × 1/3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सिखाया हूँ इस तरफ के जब आपके कैसे दिखाई देते हैं, एक देखो 1, 2, 3 ये आपका कैसा है, आपका एपी है, ठीक है, और ये आपके कैसे हैं, जीपी है, तो जब एपी और जीपी मैथ्स के वैसे कोई ग्रुप तो नहीं बने हैं, अलग से मैं बोलोगे बना दूंगा, ठीक है, लेकिन वैसे कोई ग्रुप नहीं बना है, एक जो मेरे को लोग पर्सनली क्वेश्चन भेजते हैं या फिर उसमें डिस्कस करते हैं आप लोग का जो माइनिंग का है, ठीक है, अलग से नहीं बनाया गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा क्या सिखाया था, पूरा लाइन लिख दो ऐसा, 1 × 1/3 प्लस 2 × 1/3 का होल स्क्वायर, फिर 3 × 1/3 का होल क्यूब प्लस डेड डेड एस, ऐसा होता है। दूसरा क्या करना है बोला था बेटा, सब में 1/3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे और पहला स्टेप छोड़ के लिखना, यहाँ से इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जीरो लिख ही सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 1 × 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, सब में 1/3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा हूँ मैं, तो 1/3 को लिख रहा हूँ तो ये आएगा, यहाँ भी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा वो 2 × 1/3 की पावर में 3 बन जाएगा, तो ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर मैंने कहा था इसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, जैसे सबट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जब एपी और जीपी फॉर्म में हो, जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो ये आपका एस में से 1/3 क्या कितना आएगा, ये जो है 1 − 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और एस हो जाएगा इधर से, ये वाला वैसे ही उतर जाएगा, 1 × 1/3 उतरेगा, प्लस यहाँ से 2 में से 1 आ जाएगा 1 × मतलब ओवरऑल देखोगे तो सिर्फ यही आते जाएगा, क्या आएगा 1/3 आएगा प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1/3 की पावर 3 आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। हमको क्या, इसका सम ही तो कैलकुलेट करना था, इसका सम ही तो चाहिए, वही तो निकाल रहा हूँ, एस की वैल्यू तो चाहिए, तो एस की वैल्यू निकाल, ये कितना का 3 में से 1 गया, 2/3 हो गया, कितना हो गया बेटा 2/3 हो गया, तो इधर आ गया आपका 2/3 × s हो गया, राइट साइड में 1/3 कॉमन है, अच्छे से देखोगे तो ओवरऑल बनेगा 1 + 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, तो ये जीपी सीरीज है, इन्फिनिटी टर्म्स का जीरो, ये तीन तीन कट गया, यहाँ से बच गया 2s,
बराबर यहाँ से जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बटे वन माइनस आर होता है। तो ए आपका वन है और एस कितना होगा, वन माइनस एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू 1/3 है, तो कितना आ गया बोलो भाई। ये हो गया 3 में से गया 2/3, तो 2 ऊपर जाएगा नीचे में 3 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो है 3 में से गया 2/3, 3 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 3/2 होगा, ये कितना हो गया एस के वैल्यू 3/5, सॉरी 3/4। अब 3/4 को कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 0.46 24, 4 7 28, 0.7 एस की वैल्यू, 4 7 28 29 30, 30 मतलब 2 4 5 6 20, 0.75 कितना आ रहा है। आंसर क्या दिया है, एस ऑप्शन 0.75 दिया तो है, कितना आ रहा है आंसर बोलो। जिसने भेजा है उसने इसका सॉल्यूशन देखा है कि नहीं देखा है भाई कहीं पर। आंसर जो है इसका 0.75 होगा, और ये कोई और नहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है 0.75। आया समझ में, यस या नो जल्दी बताओ, क्लियर है। हेलो, बताते भी नहीं सो जाते हो जल्दी से। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, यस या नो कुछ तो बोलो। चलिए ठीक है फिर, अगर आ गया समझ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आगे को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है एक क्लास और लेके जाऊंगा, बस लास्ट एक क्लास और, उसके बाद जो है रिग्रेशन वगैरह कुछ कुछ करा देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन को फिनिश कर दूंगा, ठीक है। होगी उनकी भी क्लास, अभी तो टाइम है फिलहाल, इसीलिए मैं अभी धीरे धीरे सारी चीजें करा रहा हूँ, जिससे क्या है कि होगी उसकी भी क्लास एप्टीट्यूड की भी, ठीक है। चलिए राधे राधे एंड गुड नाइट एंड बाय बाय एंड थैंक यू एंड धन्यवाद। चलिए ठीक है।